पाकिस्तान च विसाखी मनाने लिया सिख श्रद्धालुओं का जत्था अमृतसर तो रवाना होया है। 705 सिख श्रद्धालु अज खालसा साजना दिवस मनाने लिए पाकिस्तान लिए रवाना हुए हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इन्हों का सन्मान किया गया है। यह जत्था 21 अप्रैल को वापस परतेगा। इस जत्थे 705 श्रद्धालु हैं। इस मौके गलबात करते हैं पहली बार पाकिस्तान जा रहे श्रद्धालुओं ने खुशी का प्रगटावा किया है। इस मौके जत्थे के नाल जा रहे रविंदर सिंह खालसा श्रोमणी कमेटी मैंबर ने कहा है कि 14 अप्रैल को गुरद्वारा श्री पंजा साहब विखे होने वाले मुख्य समागम चो शामिल होने लिए सिख श्रद्धालुओं का जत्था लैके पाकिस्तान लिए रवाना हो जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 17 ते 18 अप्रैल को सिख श्रद्धालु गुरद्वारा डेरा साहब लाहौर, 19 अप्रैल को गुरद्वारा श्री दरबार साहब करतारपुर साहब और 20 अप्रैल को गुरद्वारा श्री रोहड़ी साहब अमनाबाद विखे नतमस्तक होंगे। पाकिस्तान स्थित गुरुधामों के दर्शन करने उपरंत 21 अप्रैल को यह जत्था वापस भारत परतेगा। वाहेगुरू जी का खालसा, श्री वाहेगुरू जी की फतेह। मेरा नाम हरविंदर सिंह है जी, मैं लुधियाने तो आया जी। हाँ जी, अज पहली बार जा रहे हैं जी। बहुत ही खुशी है, बहुत आनंद है जी, बहुत खुशी है जी। मालिक ने वीजा दिता अपने घर के दर्शन करने का जी, बहुत ज्यादा खुशी है जी। पहली बार अपलाई किया, पहली बार मोर लग गई जी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਅਖੰਡ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਸਟੇਅ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਕੱਲੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। देखो जी, मैनू उम्मीद है भी मेरी आपदी बहुत मन की खुशी सी, तो मेरी खुशी पूरी हो रही है। मेरे परिवार के मैं पहले अपने परिवार के अपने खानदान जिहड़ा ननकाणा साहब के दर्शन कर रहा, उन्नी वो खुशी मैनू तो मेरे परिवार को भी साढ़े परिवार का कोई एक जी अज पाकिस्तान जाके बाबे नानक के उस पिंड जाके जिते उन्हों का जन्म होया उत्थे दर्शन करूँगा। उस तरीके साढ़े पिंड भी उन्ना ही उत्साह च दिखे भी वह दर्शन कर जा रहे हैं। सो मैनू बड़ी खुशी महसूस हो रही है, और क्योंकि इस खुशी के क्यों जरूरी है, खुशी क्यों आती है साढ़े मन च, वो जगहों के उत्ते दर्शन कर जा रहे हैं जिथे बाबे नानक का जन्म होया, जिथे वो खेडे और खास करके सच्चा सौदा जिथे किया बाबे नानक का। जिहड़ी दुनिया ये गल कहती है यार भी यह जी बरकत की आ भी तुसी लंगर हर थां ते हर जगह पर मिलते हैं, तो वह किहड़ा बूटा, वह किहड़ी जगह सीगी जिथों ये लंगर शुरू होया? यह जी उस पवित्र धरती के मत्थे नूं लाउणा, मिट्टी उहदी चक के मत्थे नूं चुम्मणा। सो ये सारिया प्रक्रियावां मेरे मन च ने जो मैं करनियां ने, मेरी इच्छा हैगी आ। सो उहदे लई मैं जा रहा जी। एक पासे किसानी अंदोलन च पूरे भारत घूमया जी, किसानी अंदोलन दा जी प्रचार कीता जी जी, अज अपने गुरुआं दे दर्शन लई अज भारत तों बाहर जा रहे जी जी जी, किन्नी क उत्साहित है उस चीज नूं लै? नहीं देखो, दो कारण ने जी। एक तां इह आ भी मैं अरदास कराउण जा रहा, क्योंकि बाबे नानक दी कृपा नाल असीं अंदोलन जिते आ, जिथे लोगों के इकट्ठ ने, लोगों के सबर संतोख ने आ, पर उत्थे ही बाबे नानक ने कृपा करी आ। उसके दर पर जाके अरदास करवाई एक बनती बनती आ कि बाबे नानका तैं कृपा करी आ साढ़े उत्ते, साढ़े बच्चों के उत्ते, तो मेहनत साड़ी रास आई आ। सो उस करके भी कृपा करनी आ, जाके अरदास करवाई आ। तो असी हजे भी साड़ियां बहुत अधूरी इच्छावां ने जिहड़ियां बाबा नानक ही पूरियां कर सकदा, जिवें सानू सिख कौम नू एक चंगा प्रबंध सिस्टम चाहीदा, श्रोमणी कमेटी के सानू बदलाव चाहीदा, जिहदे विच खास करके सानू इह चाहीदा कि एक परिवार का जिहड़ा कब्जा श्रोमणी कमेटी के उत्ते अकाली दल के उत्ते आ, वो तो छुटकारा सानू मिले, तो उस चीज़ लई मैं जाके उत्थे अरदास करवाई आ भी बाबा नानक तू ही सुननी आ ते ही कृपा करनी आ जी। खालसा साजना दिवस के उत्ते जिहड़ा जत्था जा रहा है, ये श्री पंजा साहब विखे जत्थे ने जाना है। अज रवानगी है, तो 21 तरीक नूं इह जत्थे दी जिहड़ी वापसी है वह भारत विखे होनी है। तो असीं जिथे लख लख वार वधाइयां पेश करदे आं, तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समुचे अधिकारी साहबानां नूं, मानयोग प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं, उन्होंने तहे दिलों सत्कार ते धन्नवाद करदे आं कि सानू पूरी शानो शौकत दे नाल ओह भेज रहे ने, ते असीं पूरी शानो शौकत दे नाल ही जत्थे नूं रख के ते दर्शन दीदार जिहड़े आ ओह करवावांगे। इहदे की प्रोग्राम रहणगे? बाई नूं अज जाएगा, 22 तरीक नूं वापस आएगा, उत्थे किस तरह हासिल साढ़े प्रोग्राम यह होने कि अज असीं सीधा लाहौर तो ट्रेनां दे राहीं जत्थे ने जिहड़ा पंजा साहब दे लई रवाना हो जाणा। पंजा साहब विखे श्री अखंड पाठ साहब दे भोग पाए जाणगे, भोग पाउण तो उपरंत जिहड़ा है जत्थे ने वापसी ननकाणा साहब आ जाणा। ननकाणा साहब तो
डेरा साहब विखे आ जाना, डेरा साहब तो फिर करतारपुर साहब विखे आ जाना, जथे के जोड़े प्रोग्राम बने हुए हैं तो उस तरह जथा चलता होया 21 तरीक न जी वापसी भारत की हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।